नर्मदे हर। आज परिक्रमा के पराक्रमी में हम एक ऐसे पराक्रमी से बातचीत कर रहे हैं जिसकी उम्र मात्र 17 साल है। 17 साल की इस बाकी उम्र में, किशोर वय में, माँ नर्मदा की प्रदक्षिणा के लिए निकले हैं। कर्नाटका के रहने वाले हैं, खुद भगवान के भक्त हैं और माँ रेवा से सानिध्य का ऐसा भीतर से भाव जगा कि बस निकल पड़े। जूते चप्पल नहीं पहनते, नंगे पांव हैं। इस आस्था और उनके तप के बारे में उनसे बात करते हैं। गौरव जी, आपने परिक्रमा, गौरव वैभव, देखिए मैं नाम विस्मृत कर गया और नाम ही गलत बोल रहा था आपका, है ना? तो हाँ, मैं सुधार लेता हूँ इसको। वैभव जी, गौरव नहीं, वैभव जी। वैभव जी, आपने कहाँ से परिक्रमा शुरू की और कब शुरू की, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, हमने परिक्रमा शुरू की है ओमकारेश्वर से। जनवरी 8 को उठाई है परिक्रमा जी। हाँ, तो ओमकारेश्वर से परिक्रमा कर रहे हैं। अच्छा, हम गाणगापुर में उधर दत्त भगवान का सेवा करते हैं गाणगापुर में। अच्छा, ये कर्नाटका में गंगापुर है। हाँ, गाणगापुर है। अच्छा, बहुत बड़ा स्थान है दत्त महाराजन का। अच्छा, उधर ही मैं मंदिर में सेवा करता हूँ जी। तो एक बार ऐसा सोचा मैंने कि परिक्रमा क्या होती है। हाँ, तो हमारे को कुछ पता नहीं चला जी। तो एक आदमी ने पता दिया हमको, तो परिक्रमा ये ऐसा होता है, बहुत कठिन होता है। तो हमने सोचा है कि बहुत कठिन होता है, तो हम अभी बड़े नहीं है, छोट 17 साल की उम्र है जी। हमारे हाथ से होता है कि नहीं होता है मन में हमने रखा। हाँ, चलो बाद में ओमकारेश्वर को आया, सब देखा। मेरे साथ और एक मेरा साथीदार था, लेकिन वो सियाराम बाबा के पास मुझे छोड़ के गया। अच्छा, तो उधर से मुझे अकेला हूँ। हाँ, तो बहुत कठिन होती है बोलते हैं कोई लोग। तो मैं सोचा बहुत कठिन होता है, अच्छा वो सब भी बोल रही है। हाँ, तो मैया को मैं प्रार्थना किया, मैया मैं परिक्रमा करना चाहता हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं बहुत कठिन है। हाँ, तो फिर बाद में मैं अनिल दास गुरु जी उनके पास संकल्प में मैं उठाया। हाँ, और हमारा दोस्त और हम पैदल परिक्रमा कर रहे और सियाराम बबा के पास हम, वो मेरे को 5 बजे छोड़ के गया। अच्छा, 5 बजे शाम को या सुबह? सुबह सुबह। अच्छा। हाँ, तो मैं उसको दो नींद से उठा और मैं इधर उधर देख रहा, तो वो नहीं दिखाई दिया। हाँ, तो वो बोले, उनको तो बाजू वाले को पूछा, इधर एक आदमी सो गए तो कहाँ गया? तो वो बोले वो अभी उठ के गया। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, बोले आगे मिलेगा, कोई बात नहीं। तो आगे मुझे अभी तक नहीं मिला वो। अच्छा, उसके पास फोन नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, तो उधर से मैं अकेले आया हूँ। वो कितना बड़ा है आपका जो साथी है? वो आपसे उम्र में बड़ा है? हाँ, बड़ा है। अच्छा, ठीक है, आपके जैसा ही है। अच्छा अच्छा, शादी वादी है, लेकिन वो भी गाणगापुर में रहता है। अच्छा, उनके साथ ही आया था। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका साथी छोड़ के चला गया तो यहाँ साथियों की संख्या बहुत है। माँ नर्मदा के तट पर तो रोज नए साथी मिलते हैं और ऐसे साथी मिलते हैं जो बंधन अटूट हो जाता है। वैभव भाई, एक चीज ये बताओ, आपकी जैसे आप नंगे पांव परिक्रमा कर रहे हो, इतनी लगभग 4000 किलोमीटर की माँ नर्मदा की प्रदक्षिणा है, तो ये अचानक कैसे निर्णय लिया, ये संकल्प कहाँ से आया कि पैदल परिक्रमा करनी है और वो भी बिना किसी जूते चप्पल के? मैं जिस दिन आज अभी परिक्रमा उठानी है, हाँ, तो बैग सब मैं रेडी करके रखा ओंकारेश्वर में। हाँ, तो हाँ, हम रुके थे गजानन महाराज आश्रम में। हाँ, बिल्कुल। हाँ, जी, तो बैग एक सब मैं रेडी किया और बाहर आया। तो मन में सोच रहा था कि मैं 4 बार श्रीशैलम गया हूँ गाणगापुर से। तो मन में सोच रहा था मैं 4 बार श्रीशैलम पैदल ही गया हूँ, चप्पल विदाउट चप्पल से। तो ये भी विदाउट चप्पल करूँ या ना करूँ, मन में मेरा था। अच्छा, तो मैं जैसे गजानन महाराज के आश्रम से बाहर आया तो मेरा चप्पल उधर नहीं था। अच्छा, तो इधर उधर देखा, किसी ने डाल के गया, पूछा, लेकिन वो बोले हमने नहीं लिया चप्पल। तो सोचा, लेकिन चलो मैया की कृपा है, तो हमने ऐसे ही आया, मैया को प्रार्थना किया, मैया मैं तो तेरा बालक हूँ, मैं तो नंगे पावर चलोगा, लेकिन कुछ होने मत देना। तो ऐसा ही चलते चलते आया, अभी तक मेरे को ऐसा काटा नहीं लगा कि ऐसा एक फोड़ी में नहीं आया। 6 साल से मैं
दवाखाना ये हॉस्पिटल मेरे को मालूम ही नहीं है, मैं गोली सुविधा नहीं खाता जी, ऐसा ही आया हुआ। मेरा और साथीदार है आगे गए वो मेरे को बीच में मिले थे आपके जैसे है, तो वो भी बोले भाई आप चलते हैं कैसे है, गोली नहीं कुछ नहीं है, टूप भी लगाते नहीं, डंड बम नहीं कुछ नहीं, पैर थोड़ा दर्द हुआ तो थोड़ा तेल लगाता हूँ, नहीं तो मेरे गोली नहीं कुछ नहीं। गंगापुर में भी सर 6 साल हो गए मैं हॉस्पिटल नहीं जाता कुछ। तो कुल मिलाकर वो आपका चप्पल गायब हुआ, तो वहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि माँ की इच्छा है कि आप नंगे पैर करो, तो आपने वो प्रेरणा ग्रहण की और निकल पड़े। बहुत अच्छी बात है ये, और देखिए कृपा है ऐसी कि इतना अभी एक तट पूरा पार करके दक्षिण तट और उत्तर तट का भी एक बड़ा हिस्सा आपने पार कर लिया, और बिना किसी विघ्न के, बिना किसी दर्द के, बिना किसी शूल के, बिना किसी कष्ट के आप आगे बढ़ रहे हैं। वो रोड तो बहुत समझे दूसरा रोड आता है, कोई छोटा वाला पत्थर, कोई पत्थर, बड़े बड़े चुपते हैं ना, चुपते हैं। तो जब भी मैं चल रहा और गर्मी शुरू हो गई है तो रोड अगर मिलती है तो वो भी तपती है। ये जो मेन रोड है उसमें से जो मैं चलता हूँ तो मेरे को तकलीफ तो कुछ होती नहीं है कि मेरे पैर कोई जलता नहीं कुछ नहीं, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा अफसोस होता है कि ये थोड़ा पेल चल रहा है, लेकिन मेरे को बाद में मैं देखता हूँ तो पैर कुछ होता ही नहीं। अच्छा, पीछे शूलपानेश्वर में इतना बहुत सारा मेरा पैर तो ये फूटा हुआ था। अच्छा, फोड़े आ गए थे उसमें? नहीं, जब मैं ऐसा ऊपर से पहाड़ी से आगे भाग रहा था तो थोड़ा पत्थर लग के मेरा पैर थोड़ा। अच्छा, उसमें चोट आ गई। तो बोले अरे बहुत खून बह रहा है तो कुछ तो करो, तो मैं जब चल रहा था तब ये रास्ता का थोड़ा क्या बोलते हैं धूल, हाँ धूल उसमें लग गई। अच्छा, तो लग गई तो मैं जब भी जरा एक आश्रम पे रुका था तो थोड़ा धो दिया, तो धोने के बाद वो मैं जिधर लगा तो वही मेरे को पता ही नहीं चला कि यही लगा है बोल के। देखिए, तो मैं भी बहुत सोचा ये ऐसा कैसा हुआ, मेरे को पता ही नहीं चला, 2-3 बार लगा है, फोटो भी है मेरे पास, तो मेरे को लगा ये गया किधर। तो बाद में मैं धोया, देखा बहुत बैटरी डाल के देखा, मेरे को नहीं देखा वो, मतलब माँ नर्मदा की कृपा गया कहाँ से मेरे को भी पता नहीं है। दो बार ऐसा ही हुआ। अच्छा, आपने गंगापुर से श्रीशैलम तक भी पद यात्रा की है? हो, 4 बार की। अच्छा, 4 बार। कितना दूर है वहाँ से, गंगापुर से श्रीशैलम? गंगापुर से श्रीशैलम 700 किलोमीटर है। अच्छा, हो तो 15 दिवस में हम चलते जाते हैं। ये कब किया था आपने? होली पूर्णिमा आता है ना, हाँ, तो उसके दूसरे दिन निकलते हैं। अच्छा, तो वो परिक्रमा होती होगी जैसे यहाँ मैया की परिक्रमा होती है? ये साल भी मन में रखा था करने का। अच्छा, लेकिन उससे पहले इधर का थोड़ा आदेश आ गया, दत्त महाराज ने हमारे को थोड़ा बता दिया कि चलो ये परिक्रमा करो। लोग बहुत बोल रहे थे कठिन है, खाना नहीं मिलता, शूलपानेश्वर में पानी नहीं है, बहुत सारी चीज है, ऐसा कि ये नहीं होता। हाँ, लेकिन वो कठिनाई तो नहीं है, बहुत आराम से मैया तो की मैया ने मेरे को किधर भी तक ऐसा कुछ नहीं है आया है। अच्छा, मेरे को तकलीफ तो किधर भी नहीं आई। वैभव भाई, आप ये बताओ कि आप वहाँ दत्त मंदिर में सेवा कर रहे हैं, तो वो कब चले गए थे सेवा करने के लिए? हम तो गंगापुर में बहुत सारा साल हो गए हम गए थे, हम तो एक कारण से गए थे। हाँ, तो कि मेरे माँ को थोड़ा तकलीफ था। अच्छा, तो कोई बोला उधर तकलीफ निकलता है। अच्छा, दत्त भगवान की सेवा किया तो मम्मी पापा दोनों हैं अभी आपके? पापा तो गांव में हैं, लेकिन मम्मी और भाई मेरा गंगापुर में, मैं भी था। अच्छा, अभी परिक्रमा में आया हूँ। अच्छा, अभी मम्मी और भाई है। अच्छा, हाँ सेवा करते हैं उधर ही। कोई बोला उधर, भाई आपसे छोटे हैं या बड़े हैं? छोटा है। छोटा है, अच्छा। हाँ, अच्छा, तो मम्मी को भी संभाल लेता है। तो बाद में कोई बोला उधर ऐसा सेवा किया तो पीड़ा भूत बाधा वो सब निकलता है। तो हमने सोचा हो अच्छा है, मेरा मम्मी को बहुत तकलीफ था तो मैं गया। तो मैं एक दिन हमारे पास पैसा नहीं था, बहुत सारा तकलीफ था, तो मेरे माँ के गले में थोड़ा सोना था, तो हमने गांव में बेच दिया। बेचने के बाद थोड़ा पैसा आया गंगापुर का आने के लिए, तो हम वो आए, एक रूम लिया किराए से। और उधर आपका जो घर है वो गंगापुर से दूर था? नहीं, हम प्राइवेट गंगापुर से नहीं है। अच्छा, अभी 6 साल हो गए उधर। अच्छा, उधर तो हम तो खुद का जो है हमने वो सब छोड़ दिया है कि हमारा नहीं बोल के। ठीक है, अभी गंगापुर में है। हुँ. तो मैं हमारे को मेरे को भी पूछा है कि किसी ने के कहाँ का है, तो मैं गंगापुर का ही बताता हूँ। ठीक बात है, ठीक कि मैं एक गुरु स्थान माना है जी जी, कि मैं दत्त भगवान का सेवा करता हूँ। दत्त भगवान का नहीं, तो सभी भगवान को छंद है कि सेवा करने का, सिर्फ दत्त भगवान की मानता नहीं, सब भगवान को मानता हूँ।
ऐसा कि दत्त भगवान की मानता नहीं। तो फिर वहाँ कमरे से किराया ले, किराए से कमरा लेके रहने लगे आप हो। और गुरु जी के यहाँ, दत्त भगवान जी के यहाँ जाके सेवा करने। सेवा करें जी। तो इधर दो साल में थोड़ा 95% थोड़ा कम लगा। अच्छा। तो माँ को थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा। फिर और दो साल में बहुत कम होते होते अभी 25% तो है। अच्छा। सब भी अच्छा हो गए, पहले जैसा नहीं है अभी। अच्छा। तब आपकी उम्र कितनी रही होगी, 10 साल के आसपास, क्योंकि 7 साल करीब हो गया आपको सेवा करते हुए। हाँ। है ना, तो 10 साल की उम्र में आप माँ की बीमारी हटाने के लिए दत्त मंदिर में सेवा करने के लिए गए थे। हमारे को पता नहीं था ये गंगापुर क्या होता है जी, और कौन सा भगवान है पता नहीं था। भगवान पता था। हाँ। लेकिन इतना महिमा उनका है, लेकिन हमको पता नहीं था। हाँ हाँ हाँ। वहाँ हमारे गांव में किसी ने बता दिया है। हाँ। तो ऐसा ऐसा जाओ, उधर निकलता है, हम एक बार जाके आए हैं। तो हमने सोचा वो सच रहेगा, और दूसरे से पूछे हमने तो ये है सच है कि नहीं। वो बहुत बड़ा स्थान है, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, सेवा करो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम गए, माँ को लेके गए। पहला हम मैं और मेरी माँ ही गए। अच्छा। हमारा भाई मेरे साथ बात नहीं करता था पहला, हमारा पापा नहीं दिखता था। और मैं और मेरी माँ को मैं लेके गया। तो 2 साल के बाद मेरा भाई मेरे पापा को लेके आया। अच्छा। तो उधर आके दारू पीने लग गए, झगड़ा करने लग गए। तो भगवान ने बहुत संभाल लिया। तो फिर बाद में वही दारू छोड़ दिया। भाई भी हमारे पास रह गया। तो बहुत सारा अच्छा हो गया, अभी बाकी है। तो दत्त भगवान की कृपा है ये। दत्त भगवान की कृपा है। हाँ। तो अभी अब आगे जैसे परिक्रमा आप कर रहे हैं, तो परिक्रमा का अभी तक का अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। मैं मेरे को तो कुछ कम पड़ा ही नहीं है, और मैं जो मन में रखा तो अभी किसी को बता नहीं सकते है जी। तो मैं जो मन में रखा, आज ये होना है वो होना है। तो एक दो किलोमीटर चलते गए तो वो मिलता है। तो मैं सोचा ये क्या हो रहा है। तो एक बार माई की मैं को प्रार्थना किया, मैया ये ऐसा कैसा हो रहा है। तो ये आइए एक आदमी से भी पूछा, आपको तुम्हारे को कुछ तो कम गिर गया, तो आप बस मन में रखना कि हमारे को मैया ये चाहिए बहुत, ये है। तो चलो करके देखते हैं, पहला होता है ना ये मिलता है क्या नहीं, जरा सच करके देखते हैं। तो हमने दोपहर को एक बार देखा, तो एक नागेश्वर मंदिर में रुके थे। सुबह से हमारे को चाय भी नहीं मिला। अच्छा। सुबह से चल रहे थे, चाय भी नहीं, दोपहर का टाइम था। हाँ। तो दोपहर का टाइम था तो ये चाय भी नहीं मिला। तो नागेश्वर मंदिर में हमारे पास तो कुछ बिस्किट था, हमने वो खा लिया, पानी पिया। और एक हमारे साथ मैया थी। अच्छा। तो उन्होंने बोल दिया अभी तो बहुत सारी भूख लगी है, तो केली वाली मिलना चाहिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दूसरी मैया ने क्या कहा, चलो आगे गांव है तो गांव में देखेंगे मिल गया तो। हाँ। तो हमने बैग सब लगाया और 2 पावल चले। तो एक गाड़ी पे एक महात्मा आ रहे थे, वो रुको रुको हमने 3 डजन केली लाया है। तो अक्सर से हम अचकित हो गए थे, ये हो गया कैसे। हाँ, मतलब आपने कुछ देर पहले सोचा और वो मिल गया, ऐसा हो गया। तो जी मैया तो हमारे साथ है, लेकिन दिखती नहीं, इतना ही है। हाँ। अच्छा, अब इसके बाद आपकी क्या योजना है? अब विवाह करेंगे, शादी वादी करके गृहस्थ जीवन बिताएंगे कि साधु बन जाएंगे? ये देखो, मैं मेरा दिमाग से नहीं चलता। जब भगवान मेरे को रास्ता दिखाएगा तो भगवान जैसा बोलेगा मैं ऐसा सुनता हूँ। मैं अच्छा दूसरा लेकिन बोलता है ऐसा मत करना, भगवान भगवान ही मत करना, लेकिन कोई कोई बोलता है तो मैं ऐसा नहीं बोलता। मैं भगवान के रास्ते पे चलता है, जब भगवान ने रास्ता देखा है तो मैं वो रास्ते पे चलता है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद रहता है, मुझे कुछ होता नहीं है। ऐसा ही भगवान ने बताया, तू ये परिक्रमा कर, मैं तेरा आशीर्वाद है, कुछ नहीं हो जाएगा। तो भगवान हम चले आए, तो हमारे को अभी तक कुछ नहीं हुआ, नंगे पांव चलते हैं। अच्छा, एक चीज और भी, जैसे आप इतनी कम उम्र में सेवा के लिए निकली थे और कम्मा में भी निकल आए हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ की है, क्या किया है? हमने पढ़ाई तो मेरा बहुत सारा मन था, पढ़ाई करके थोड़ा कुछ तो बड़ा बन जाऊँ जी। तो माँ बोली तू अब बेटा पढ़ाई करेगा तो फिर मेरा त्रास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ। तो मैं एक दिन स्कूल से आया। हाँ। स्कूल से आया तो माँ बोली अभी स्कूल में मत जाए। तो मैं बोला क्यों? हाँ। तो मेरा त्रास बहुत बढ़ रहा है, मेरा तकलीफ हो रहा है, मेरे को जल्दी लेके चल। के माँ को कुछ पता नहीं चलता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं 7वीं से मैं स्कूल छोड़ दिया और माँ को इधर लेके आया।
तो आगे मैं जो पढ़ना चाहता हूँ कितना दिमाग आने वाला था तो मैं सेवा करके उतना कमा लिया। जब लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो दिमाग उनको आता है, तो मैं जब महाराज दत्त महाराज का सेवा करने लगा तो मेरे को दिमाग आया, तो मैं सेवा करने से दिमाग आया, लोगों को स्कूल सीखने से दिमाग आता है, तो मैं सेवा करने से दिमाग मेरे को महाराज ने जो देना था जी वो मिल गया मेरे को, गुरु मावली ने मेरे को दे दिया। तो मैं भी सोचा ये मैं जो स्कूल पढ़ना था आगे कितना बहुत अच्छा आदमी बनने वाला था, तो मैं स्कूल पढ़ के नहीं मेरा मन में मैं वो भी रखा, तो मैं उधर सेवा किया, गुरुचरित्र पारायण नवनाथ पारायण किया, तो आगे आगे मेरा थोड़ा बदल होने के लिए चला, तो मेरे को नहीं पता चला कि ऐसा हो रहा है। फिर बाद में थोड़ा बहुत ज्यादा हो गए तो मेरे को पता चला कि भगवान मेरा पीछे है, अभी मेरे को चिंता नहीं है किसी की भी। और हमारे गंगापुर वाले सब श्रीशैलम जा रहे थे जी, तो हमने बोला हम तो सेवक करी है उधर, तो हम भी आए तो चले गए क्या, चले गए क्या, वो बोले हमारे को कुछ कंधे पे लेके नहीं जाना है, आप चलोगे तो सही रहेगा। तो उस टाइम मैं जूता चप्पल नहीं पहनता था, तो गंगापुर में इधर उधर घूमता है तो पहनता है, लेकिन भगवान का किस काम में मैं जा रहा हूँ तो मैं जूता चप्पल नहीं पहनता, गोली भी मैं ही नहीं लेता, गोली तो पहले से ही नहीं लेता। वैभव भाई आप अच्छे आदमी बनने वाले थे, आप अच्छे आदमी हो, हो अच्छे आदमी बने हुए हो। क्या बोलते हैं तुमने स्कूल छोड़ दिया है, अभी तुम आगे बढ़ के क्या हो जाओगे, तुम अभी नहीं पता चलेगा, तुम्हारे को आगे पता चलेगा कि क्या है। तो मैं मन में सोचता ही रहता है, तो हमारा भगवान है, भगवान कभी गलत नहीं कहता है। जो स्कूल में जाके लोगों को ज्ञान मिलता है तो मैं उतना ही मैं महाराज जन का सेवा करके मुझे उतना ज्ञान मिला है जी। ये ज्ञान आपके काम आएगा और ये सेवा भी उम्र भर आपके काम आएगी। माँ की सेवा के लिए, माँ की बीमारी से, उस बीमारी से बचाने के लिए माँ को आपने दत्त भगवान की सेवा की है, और अब एक और बड़ी माँ की सेवा के लिए निकले हैं, उनकी परिक्रमा के लिए निकले हैं। आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे क्योंकि आप इतना बड़ा तप कर रहे हैं। तो मान भगवान को मानना है तो मैं पहले से बहुत मेरा छंद है कि भगवान को मैं बहुत छंद है मेरा, ये कि भगवान को नहीं मानता मेरे को तो सब भगवान ही। हाँ सारे भगवान एक ही हैं, सभी भगवान तो कोई क्या कहता है तो आप दत्त गुरु को मानते हैं तो ये भगवान क्या गलत है क्या, तो मैं बोला ऐसा नहीं है कि मैं दत्त गुरु के उधर मैं गंगापुर में रहता हूँ उधर भी सभी भगवान को मैं मानता हूँ कि ऐसा दत्त गुरु को मानते नहीं, अगर दत्त गुरु तो मेरा एक गुरु स्थान में ऐसा समझा है ना। सारे भगवान एक हैं, सारे मनुष्य एक हैं, लेकिन उनका रूप अलग 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 है। हाँ हाँ बिल्कुल अलग अलग है, तो कोई किसी रूप को मानता है, कोई किसी रूप को मानता है। भगवान ने भी बता दिया है तो ऐसा ये मत कर कि हम एक ही है लेकिन रूप अलग अलग दिखाई देते हैं, तो जब भी भगवान किसी भी रूप में आ जाता है तो दृष्टि अलग होती है, उधर भगवान नहीं दिखाई देता है तो आदमी दिखाई देता है। तो हमने एक ही बार भगवान को प्रार्थना करी, भगवान जी आप तो कौन सा भी रूप में आ जाएंगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा, तो मैं वो सोचा कोई भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उनको भगवान ही मानूंगा, तो मेरे को पता नहीं चलेगा तुम कौन सा रूप में आ जाएंगे, तो मैं कौन भी आए तो उनको भगवान मानता हूँ कोई भी रहे, हमारी इच्छा है। तो अभी तक कितने बार दर्शन दोगे मेरे को भी पता नहीं है। हाँ हाँ क्या है, बहुत सारे आदमी मिल जाते हैं हाँ। तो सब उनको भगवान ही मानता हूँ मैं। तो ये हैं वैभव, अब सही नाम ले रहा हूँ ना। हाँ 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 तो ये हैं वैभव, मात्र 17 साल उम्र, 17 साल की उम्र में माँ नर्मदा की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। ये स्कूल में नहीं सेवा से ज्ञान इन्होंने अर्जित किया है। माँ खुद की माँ की बीमारी से रक्षा करने के लिए गुरु की भगवान दत्तात्रेय की शरण में गए और तब से वहीं पर सेवा करने लगे, उनके भगत हो गए और फिलहाल माँ नर्मदा की भक्ति में प्रदक्षिणा पर हैं। भगवान भोलेनाथ, माँ नर्मदा इनके मनोरथ पूरा करें। नर्मदे हर।